समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी को राज्यसभा प्रत्याशी घोषित किया है। इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से राज्यसभा के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। अपने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जयंत चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सपा के उस ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे नौजवान कमीरा किसान के सम्मान में। वहीं इससे पहले कपिल सिब्बल और जावेद अली खान ने बुधवार को राज्यसभा चुनाव का नामांकन दाखिल किया था। दोनों ने बुधवार को ही राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया। उनके नामांकन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, वरिष्ठ नेताओं में रामगोपाल यादव और अंबिका चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हालांकि कपिल सिब्बल ने सपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। कपिल सिब्बल के नामांकन के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। हालांकि कपिल सिब्बल इससे पहले कांग्रेस से राज्यसभा सांसद थे। इस महीने की 16 तारीख को उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। इसकी जानकारी उन्होंने नामांकन के बाद मीडिया को दी। बता दें कि यूपी की 403 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 255 और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर कुल 273 विधायक हैं। वहीं दूसरी ओर सपा और उसके सहयोगी दलों के सदस्यों की कुल संख्या 125 है और वो 3 उम्मीदवारों को जिता सकती है। बता दें कि यूपी में राज्यसभा की 11 सीटों पर चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी की ओर से जयंत चौधरी के नाम का ऐलान हो गया। इस प्रकार राज्यसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी का केवल एक ही नेता राज्यसभा जा रहा है। 2 सीटों पर पार्टी ने अलग अलग उम्मीदवारों को उतार कर राज्यसभा का रास्ता उनके लिए खोला है। उत्तर प्रदेश के कोटे की खाली हो रही 11 राज्यसभा सीटों में विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या के आधार पर 3 सीट बनती है। तीनों पर अब पार्टी की ओर से उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया। इसके बाद चाचा रामगोपाल यादव की नाराजगी सामने आई। बाहर के व्यक्ति को लाकर राज्यसभा भेजने के प्रस्ताव के विरोध में वे खड़े हुए तो मामला गर्मा गया। पार्टी की अंदरूनी राजनीति से बेहाल अखिलेश यादव ने रामगोपाल के करीबी जावेद अली खान को राज्यसभा भेजने की बात कर चाचा को मनाया। बुधवार को कपिल सिब्बल और जावेद अली खान ने राज्यसभा का नामांकन कर दिया। इसके बाद से डिंपल यादव के नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन इस बीच जयंत चौधरी की नाराजगी का मामला सामने आ गया। इसके बाद डिंपल यादव को साइड कर अखिलेश ने वर्ष 2024 को ध्यान में रखते हुए जयंत को राज्यसभा भेजने की रणनीति बना ली। चौधरी चरण सिंह के पोते 43 वर्षीय जयंत चौधरी पारिवारिक राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वे वर्ष 2009 से 2014 के बीच मथुरा लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। मोदी लहर में वो 2014 का लोकसभा चुनाव हार गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें वो सफलता नहीं मिली। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम समीकरण को बना पाने में वे कामयाब नहीं हुए। चुनाव के बाद से ही जयंत चौधरी के राज्यसभा भेजने की चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन पिछले दिनों लगातार सपा की ओर से तय किए गए नामों में उनके नाम की चर्चा नहीं थी। ऐसे में जयंत के छिटकने का खतरा बनने लगा था। अखिलेश ने अपने फैसले से उन्हें साथ जोड़ा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।